नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो इतने भी प्रकार के जो टॉनिक होते हैं उनका एक्चुअल के अंदर क्या कार्य होता है, किस प्रकार के टॉनिक को हम किस फसल में किस अवस्था के अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें जो फ़ायदा है वो पूरा का पूरा मिले। साथ ही अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो टॉनिक्स यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर जितने भी आते हैं उनसे जुड़ा जो भी आपका सवाल होगा आप उसे फटाक से किसी भी दुकानदार को समझा सकते हो या फिर लूटने से बच सकते हो। किसान साथियों, बहुत ही सिंपल तरीके के अंदर आज मैंने कोशिश की है कि आपको PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में समझा दूं। आपने सुना होगा ना, बोतलों के ऊपर लिखा आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या फिर आता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये तीन चार प्रकार कहते हैं। लेकिन फार्मर इनके अंदर कन्फ्यूज होता है, दुकानदार कोई भी बोतल उसको उठा के दे दे ये डाल दे तो फार्मर डाल देता है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कौन सा मेरी फसल में काम करेगा, कौन सी मैंने फसल लगा रखी है तो इसके लिए कौन सा बेस्ट जो टॉनिक है वो मैं इसे यूज़ करूँ। तो किसान साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको जानकारी सुननी है तो आप पूरा सुने, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं PGR की यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। थोड़ा सा इसे नाम में समझिए, प्लांट का मतलब पौधा, ग्रोथ का आपको बताता हूँ। ग्रोथ का मतलब होता है कि पौधे की हाइट को बढ़ा देना, हाइट को रोक देना, फल या फिर फूल का साइज बढ़ा देना, फल या फूल को गिरने से बचा देना, पत्तियों को गिरने से बचा देना या फिर पत्तियों के अंदर हरापन ला देना, सभी प्रकार की जो ग्रोथ है वो इस एक नाम के अंदर छिपी हुई है। उसके बाद में अगला नाम आता अपना रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब समझिए, रेगुलेटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ाना, कम करना या फिर उसको मीडियम करना। आपने सुना होगा जैसे कि गैस चूल्हा होता है उसके अंदर नीचे लगा नहीं होता रेगुलेटर, हम गैस की जो स्पीड है उसको कम भी कर देते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा अपना छत वाला जो पंखा लगा होता है या फिर आम जो अपने पंखे आते हैं उनके अंदर भी रेगुलेटर लगा होता है कि हमें पंखे की जो स्पीड है वो एक नंबर पर करनी है, दो पे करनी है, कितनी भी करनी है। तो कहने का मतलब आप समझ गए ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम क्या होता है। किसान साथियों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है ना वो आगे फर्दर दो टाइप का होता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को आप यहाँ पे भूल जाइए, आगे इसके जो पार्ट है उसको समझिए। दो प्रकार के कौन से होते हैं, पहला आता अपना प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, दूसरा आता अपना प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब सबसे पहले हम समझते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को, ये भी तीन प्रकार का होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इसमें कौन सा आता है, पहला अपना आता है ऑक्सिन, दूसरा आता अपना जिबरलाइन और तीसरा आता अपना साइटोकाइनिन। हम तीनों को ना इनके कौन से अपने मार्केट के अंदर ब्रांड आते हैं उनका भी नाम लूँ आपको मैं, तब आप जल्दी समझ आओगे। एक बार थोड़ा सा टेक्निकली इसे समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना प्लांट ग्रोथ की, कि पौधे के अंदर कहाँ कहाँ ग्रोथ होती है यानी कि जो टॉनिक है वो कहाँ कहाँ काम करता है पौधे के अंदर। सबसे पहला आता है अपना प्राइमरी ग्रोथ, इसके अंदर क्या होता है कि अकेली जो लंबाई है पौधे की वो बढ़ती है। और दूसरा आता है अपना सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें क्या है कि जो पौधे का डायामीटर है मतलब कि चौड़ाई मोटाई सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती है। उसके बाद में आती है अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ, इसके अंदर क्या होता है कि तना पत्ते और जो शाखाएँ हैं उसकी ग्रोथ होती है, उसे कहते हैं हम वेजिटेटिव ग्रोथ। उसके बाद में आती है अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, इसमें क्या है कि फूल से जो फल बनता है या कि फूल या फल के अंदर जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब हम बात करते हैं फसलों में कौन से टॉनिक कहाँ कहाँ काम करते हैं। पहला हमारा टॉनिक था PGP प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भूल जाओ, मैंने बोल दिया ना कहीं भी उसको भूल जाओ। इसके जो दो पार्ट थे उसके ऊपर बात करते हैं हम। पहला लेते हैं हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, इसके अंदर मैंने जो तीन टॉनिक बताए थे, पहला कौन था अपना ऑक्सिन, दूसरा था अपना जिबरलाइन और तीसरा था अपना साइटोकाइनिन। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सिन की। ऑक्सिन का मतलब होता है ग्रीक भाषा के अंदर ग्रो करना या फिर बढ़ाना, यानी कि आप समझ गए ना ये एक ऐसा टॉनिक है जो बढ़ाव के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सिन का काम क्या क्या होता है, पौधों में फूल फल आने में सहायता करना, पत्तियों और फूलों को जड़ने से रोकना और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्सर इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। यानी कि ऑक्सिन आपका जो है वो बागवानी सब्जियों के लिए एक अच्छा टॉनिक साबित हो सकता है। ऑक्सिन जो है वो हमारे नेचुरल और थोड़ा सा जो हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं केमिकली, ये दो तीन प्रकार के होते हैं। जो हमारे नेचुरल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इनके अंदर आता है अपना इंडोल-3 एसिटिक एसिड और जो हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं केमिकली तैयार करते हैं वो आता है अपना निप्थलीन एसिटिक एसिड। निप्थलीन एसिटिक एसिड का मतलब आप समझ गए ना, आपको मार्केट के अंदर मिलता है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स, और नीचे कमेंट करना ना भूलें प्लानोफिक्स का रिजल्ट है वो कैसा लगा और आपने किस फसल के अंदर यूज़ किया है। तो किसान साथियों आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा अपना आता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का जो दूसरा पार्ट है वो होता है अपना जिबरलाइंस। ये जिबरलाइंस क्या है कि ये जिबरलाइन का नाम रखा गया, ये जिबरलाइन फैमिली होती है, एक परिवार होता है।
जब जिब्रेलिन्स परिवार की खोज की गई तो इसके अंदर सबसे पहले पाया गया हमारा जिब्रेलिक एसिड, सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड ही खोजा गया। उसके बाद में अब 100 से ज़्यादा अधिक जो एसिड्स हैं वो खोजे जा चुके हैं। जिब्रेलिक एसिड के कार्य क्या क्या होते हैं पौधे के अंदर? फल का साइज बढ़ाना, सेब जैसे फलों के आकार को ये बिल्कुल 101% बढ़ा देता है। तने को बढ़ाव के लिए अक्सर गन्ने की फसल में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो तना होता है, जो गन्ने की लंबाई या मोटाई होती है, उसको बढ़ाने के लिए अक्सर जो हमारा जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जिब्रेलिक एसिड का मतलब आप समझ चुके हैं, मार्केट के अंदर आपको मिलता है सुमिटोमो कंपनी का ब्रांड नेम होसी, उसके बाद में कई और कंपनियों का आता है। आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ब्रांड का नाम ना लूँ, क्योंकि कई एक ऐसे ऐड है मेरे साथ बंदे, मतलब उनको मैं मानता नहीं कि वो फार्मर है, लेकिन वो कह देते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो कंपनियों की ऐड कर रहे हो, तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब रहता है कि फार्मरों को डायरेक्ट समझा देना। तो हम नंबर 3 पर बात करते हैं अपना साइटोकाइनिन। ये अक्सर जड़ों और तनों के अंदर पाया जाता है। ये नए पत्ते लाने में सहायक, ये जो टॉनिक है ना, ये क्या करता है कि नई पत्तियों को लाने में सहायता करता है, और पत्तियों के अंदर जो हमारा क्लोरोफिल होता है यानी कि हरा भाग जो होता है उसको बढ़ावा देता है। सिंपल भाषा के अंदर हम बात करें तो साइटोकाइनिन जो हमारा एक रेगुलेटर यानी कि एक जो टॉनिक है वो हरियाली लाने के अंदर सहायता करता है। किसान साथियों, फूलों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए अक्सर इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। फूल गोभी, बंद गोभी, लेट्यूस जैसी अधिक पत्तियां, जिसके अंदर ज़्यादा पत्तियां होती है ना, उन जैसी फसलों के लिए जो ये अपना साइटोकाइनिन है सबसे बेस्ट टॉनिक माना जाता है। ये तो होगी हमारी PGP यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के तीनों जो भाग है वो हमने कवर कर लिए, और आगे हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की, जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का दूसरा भाग है। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब होता है सिंपल भाषा के अंदर किसी भी चीज़ को अवरोध करना, रोकना। तो कहने का मतलब कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर वो टॉनिक आते हैं जो पौधे की हाइट को या जो हमारा पौधे का विकास है उसको रोकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कौन सा पाया जाता है। इसके अंदर होता है अपना एब्सेसिक एसिड, और दूसरे नंबर पर आता है अपना इसके अंदर इथाइलिन। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सेसिक एसिड की। ये पौधे की जो विकास है उसको रोकने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है, यानी कि पौधे की हाइट को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1960 के अंदर इसको खोजा गया था। किसान साथियों, अब बात आती है कि एब्सेसिक एसिड के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जो कि पौधे की हाइट को रोक देता है, यानी कि ये कैसे काम करता है पौधे के अंदर। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने कई वीडियो के अंदर बोला कि पौधे के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं पत्तों के ऊपर, यानी कि पौधा का स्टोमेटा का मतलब कि जैसे हमारी नाक होती है सांस लेने के लिए, इसी तरह पौधे के ऊपर स्टोमेटा होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो बंद होते हैं, खुलते हैं, यानी कि सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। तो स्टोमेटा को ये क्या है कि स्टोमेटा को ये उत्तेजना करता है कि तू बंद हो जा, अगर वो ज़्यादा बंद होने लगा तो जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी, और इसलिए क्या है कि जो उसकी हाइट है, जो वृद्धि है, वो भी धीमी पड़ जाएगी। अक्सर क्या है कि जब फार्मर इसका प्रयोग करता है तो फार्मर को लगता है कि मेरे पौधे की जो हाइट है वो रुक चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पौधे की हाइट बिल्कुल धीमी हो जाती है, तो तब तक जो फार्मर है वो अपनी फसल को काट करके मंडी के अंदर ले आता है। और कहने का मतलब ये है कि इसको अक्सर पौधे की हाइट रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये अपना जो कार्य है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करता है। अगला अपना आता है इथाइलिन, जो कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का दूसरा भाग है। किसान साथियों, इथाइलिन जो है वो दो तरीके से काम करता है। एक तो ये पौधे की जो हाइट है उसको रोकता भी है, और दूसरा विकास भी करवाता है, यानी कि ये एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी है। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होना कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कैसे है और इनहिबिटर कैसे है, ये दोनों कार्य कैसे करता है। अगर किसान साथियों इसकी जो डोज है वो हम कम डालते हैं तो ये पौधे के अंदर विकास करवाता है, अगर इसकी जो डोज है हम उसको ज़्यादा डालते हैं तो ये जो पौधे की हाइट है, जो विकास है, उसको रोक देता है। इसका जो प्रयोग है वो फसल के अंदर फल को जल्दी पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आलू में इसका जो प्रयोग है वो बीज से पौधा जल्दी बाहर निकालने के लिए अक्सर किया जाता है। मार्केट के अंदर इथाइलिन का जो ब्रांड प्रोडक्ट है वो आता अपना क्रिस्टल कंपनी का EP50 के नाम से। तो किसान साथियों, आज की जो अपनी वीडियो थी वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ऊपर थी, जिसके अंदर हमने जितने भी हमारे पार्ट थे उनको कवर कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि जितने भी हमारे भाग है वो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं। अब आप खुद जाकर के दुकानदार को अपने मुँह से जाकर के बोल सकते हो कि मुझे ये जो वाला जो टॉनिक है वो दीजिए, ताकि आपको उनसे कोई जो सलाह है वो लेने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट के अंदर से आपको जो सलाह वो गलत मिलती है। कई बार कुछ एक ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फार्मर को सही सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप खुद
अपने मुंह से जाकर के मांगोगे तो दुकानदार को भी लगता है कि जो हमारा फार्मर है वो थोड़ा सा एजुकेटेड है, इसे इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, तो उस प्रोडक्ट में आपको वो लूटेगा नहीं बल्कि फटाक से उठा करके दे देगा कि ये ले भाई ले जा। तो किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी जो टॉपिक है वो मिस हो चुका है तो नीचे कमेंट जरूर करें, वहाँ पर जो आपका रिप्लाई है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। धन्यवाद किसान साथियों।